हेलो यू, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 14 की, जो कि 24 अगस्त के लिए जारी किए गए कक्षा 6 की विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है भोजन के घटक, और उसे ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बच्चों तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है और आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, भोजन के घटक जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी आती हैं जो कि हमारे काम की ना होते हुए भी बहुत काम की है। उसमें से एक चीज़ है रुक्षांश और दूसरा है पानी। तो रुक्षांश हमारे भोजन में मौजूद आहारी रेशों को कहते हैं। शरीर में बिना बचे हुए भोजन को निकालने में मदद करता है। यह हमारे पाचन तंत्र से के द्वारा अनपचे भोजन को बाहर निकालने में सहायता करता है। ये कब्ज को रोकता है। अगर अनाज, फल और सब्जियाँ आदि इसके स्रोत हैं, और इस एक बात सबसे मेन है, वो चीज़ क्या है कि इससे कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता, लेकिन फिर भी इसकी उपस्थिति आवश्यक है भोजन में। क्यों? क्योंकि ये हमारे पाचन तंत्र में अनपचे भोजन को बाहर निकालने में सहायता करता है। अब अगर बात करें बच्चों पानी की, तो पानी क्या है, ये भोजन को घुलने, पचाने और अवशोषित करने में मदद करता है, और पसीने और मूत्र की सहायता से अपशिष्ट को निकालने में भी ये हमारे हर दिन ये मदद करता है। और हर दिन हमें खूब सारा पानी पीना भी चाहिए। हमारा जो शरीर है उसका 70% भार का 70% भाग, यानी कि हमारे शरीर का जो भार है उसके 70% भाग पानी का बना होता है, और ये हमारी त्वचा को स्वस्थ रखता है और हमारे जोड़ों को भी स्वस्थ रक्षा करने में मदद करता है। बच्चों तो बच्चों, ये तो बात हुई आपके कार्यपत्रक की। अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, तो प्रश्न नंबर एक क्या है बच्चों आपका, कि पानी शरीर से अवशिष्ट पदार्थों को निकालने में मदद नहीं करता है। तो बच्चों ये कथन गलत है, पानी ये मदद करता है। ठीक है बच्चों। फिर रुक्षांश कब्ज से बचाव करता है, तो ये बात भी सही है बच्चों। फिर है, पानी हमारे शरीर के भार का 60-70% भाग होता है। तो बच्चों अगर ये 60% हटा दिया जाए तो ये सही बात है। वैसे 60-70% तक होता है, तो ये सही है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये भी हम सही मानते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न नंबर दो क्या है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है आपको। पहला है, अनपचे भोजन को पूरे शरीर में ले जाने में सहायता करता है। तो ये सहायता कौन करता है बच्चों, ये रुक्षांश है जो सहायता करता है अनपचे भोजन को पूरे शरीर से ले जाने में। ठीक है। दूसरा है बच्चों आपका प्रश्न नंबर दो, हमारे शरीर का कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है। तो हमारे शरीर को रुक्षांश और पानी कोई भी पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं, बल्कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन कुछ ना कुछ चीज़ें देते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये हो गया आपका कार्यपत्रक कंप्लीट, और वीडियो भी आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।